कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कृपया इसे सीरियसली न लें। मूवी के पहले सीन में देख सकते हैं कि इसके सीने पर पहले से ही मिट्टी लगी हुई है, जबकि राजा अपने पैर से बाद में मारते हैं तो मिट्टी पहले ही कैसे लग गई यार। इस टेबल पर ताश की पत्ती रखी हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जैसे ही ये आदमी टेबल पे गिरता है अचानक से इतनी ताश की पत्तियां कहां से उड़ने लगी। अब यहां पर ये भी हो सकता है कि ये सारे लोग बैठकर ताश खेल रहे होंगे, लेकिन यहां पर कोई भी कुर्सी रखी हुई दिखाई नहीं दे रही है। राजा के चलने से ये सारे कलर्स उड़ क्यों रहे हैं, जबकि यहां पर हवा भी नहीं चल रही है? जबकि इस सीन में देख सकते हैं कोई भी हवा नहीं चल रही है इस सीन में, और ये सारे कलर्स भी अपने आप ही क्यों उड़ रहे हैं? राजा इस गुंडे को इस लकड़ी से मार रहे हैं और ये लकड़ी इस गुंडे को अभी टच ही हुई है, लेकिन इधर से ये लकड़ी टूट भी गई। ये कैसे हो सकता है यार? राजा को देखकर लग रहा है कि ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जरा इस सीन को ध्यान से देखिए, ये वीडियो तो अभी रिकॉर्डिंग में ही चल रही है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग का सिंबल बना हुआ आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि राजा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे? ये औरत एक ईंट का टुकड़ा उठाकर फेंकने जा रही है, लेकिन जैसे ही लड़की के ऊपर ये टुकड़ा गिरता है अचानक से ये टुकड़ा और छोटा कैसे हो गया? इस लड़की के ऊपर ईंट का टुकड़ा गिरने से पहले ही इसने अपने दोनों पैर अंदर किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही ईंट का टुकड़ा इसके पैर पे गिरता है अचानक से एक पैर बाहर कैसे आ गया और ईंट चली जाती है? तो ये कैसे हो गया? राजा के टर्न होने पर ये बाइक भी टर्न क्यों हो रही है यार, जबकि राजा द्वारा कोई भी सपोर्ट नहीं लगाया जा रहा है इस बाइक पर। राजा इस गुंडे को मार रहा है और इनके ऊपर धूल गर्दा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगले ही सीन में इतना ज्यादा धूल गर्दा कहां से आ गया यार? जैसे लग रहा है धूल की बारिश हो रही हो। इन दोनों डब्बों पर कुछ कलर्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कलर्स डब्बों के बीचों बीच रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये आदमी दोनों डब्बों को मारता है अचानक से ये कलर्स उड़ने लगते हैं, लेकिन इतने भी कलर्स नहीं रखे हुए थे कि इतनी ऊपर तक उड़े, और कलर्स भी डब्बों के बीचों बीच रखे थे, लेकिन इसको देखकर लग रहा है कि ये कलर्स डब्बों के चारों तरफ से उड़ रहे हैं। राजा जैसे ही इस गुंडे को पंच मारते हैं इसके मुंह से खून निकल जाता है, लेकिन ये खून सामने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से दूसरे सीन में इसके मुंह पर खून कैसे लग गया? इस डब्बे के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगले ही सीन में इस डब्बे के पास ब्लास्ट कैसे हो गया यार? बिना बम बिना गोली के कैसे ब्लास्ट हो रहा है, जबकि ये दोनों लोग भी डब्बे से काफी दूर हैं। इस टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और राजा इस गुंडे को जैसे ही इस टेबल पर मारते हैं अचानक से पेपर पर इतना धूल कहां से आ गया यार? राजा इस गुंडे को इस फावड़े से मार रहे हैं, लेकिन ये फावड़ा इसके सर से टच भी नहीं हो रहा है, तो इसको चोट कैसे लग सकती है? फावड़े से बिना टच हुए चोट तो लग ही नहीं सकती। राजा इस लड़की को किस करने जा रहे हैं, लेकिन लड़की को देख कर लग रहा है कि इसको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जैसे ही राजा इसके पास आते हैं लड़की ने अपने आँख को बंद कर लिया है, यानी इसको सब कुछ पता है। और अगले सीन में किस करने के बाद इस प्रकार से रिएक्ट कर रही है जैसे लग रहा है इसको कुछ भी नहीं पता हो और इसके साथ ये सब अचानक से हुआ हो, लेकिन राजा के करीब आने पर इसने अपने आंखें बंद क्यों कर ली? टुकड़ा गिरने के बाद अचानक से दोनों पैर अंदर चला जाता है और ध्यान से देख सकते हैं कि ईंट इसके पैर से होकर लेफ्ट साइड में चली जाती है, लेकिन अगले ही सीन में दिखाया था कि अचानक राइट साइड में चली।